तो फरहान अख्तर जी, ब्रह्मास्त्र मूवी की कलेक्शन 300 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे मूवी की कलेक्शन तो अच्छी है, पर इस फिल्म के गानों के लिरिक्स मतलब क्या यार, लव स्टोरी को केसरिया से रैम किया है। लाइक सीरियसली, इससे अच्छा तो वो डैड को हायर कर लेते, कुछ अच्छा लिख के देते उनको। बट एनीवेज, रणबीर कांग्रेचुलेशंस मैन, कीप रॉकिंग। अरे इसमें बोलने का क्या, रणबीर मेरे छोटे भाई जैसा है, लड़के ने इतना मेहनत किया है, पिक्चर तो पैसा कमाएगी ना। अभी रिसेंटली आप शमशेरा में रणबीर कपूर के साथ नजर आए थे, तो आप ब्रह्मास्त्र में क्यों नहीं है? अरे क्या हुआ, मैं भी था पहले ब्रह्मास्त्र में, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे को ना ये अस्त्र विस्त्र से दूर ही रहना चाहिए, इसलिए आई रिजेक्टेड द फिल्म। पिक्चर तो करोड़ों का पाएगी ना, क्योंकि इस पे केसर का रंग जो छड़ा हुआ है, केसरिया तेरा इश्क है पिया, बोलो सुबह केसरी। मुझे तो पहले से ही पता था सर कि ये फिल्म बहुत कमाएगी, क्योंकि ये जो ऋषि जी के साहब ज्यादा है, इनके हर चीज में नंबर ज्यादा ही होते हैं, फिर चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो या फिर लड़कियां। ब्रह्मास्त्र तो अच्छा पैसा कमाई रही है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की वजह से अपुन भी बहुत पैसा कमाया। उसकी माँ का थिएटर में जाके सबसे पहले सारी टिकट खरीद ली, उसके बाद जब हाउसफुल का बोर्ड लगा, बाद में बाहर जाके वो टिकट ब्लैक में बेची 12 रुपया प्रॉफिट में, और ये प्रॉफिट के पैसे से चश्मा खरीदा। लग रहा है ना ब्रह्मास्त्र का रणबीर कपूर एकदम साला, कभी कभी तो लगता है कि अपुन ही चंबानी है। हाय, दिस इज रणबीर कपूर यार, ब्रह्मास्त्र को इतना प्यार देने के लिए आप सबको थैंक्स, वो आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।